हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप लोगों पर अपनी दया दृष्टि जो है बना कर रखें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेठ मास चल रहा है और जेठ मास में जो है निर्जला एकादशी होती है, और निर्जला एकादशी जो होती है सबसे ही ज़्यादा ही फलदायी होती है। ये सभी का से ज़्यादा फल देने वाली होती है। वैसे तो 24 की 24 एकादशियाँ ही अच्छे फल देने वाली होती है, लेकिन कहते हैं कि निर्जला जो एकादशी है ये सबसे ज़्यादा फल देने वाली होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। तो इसकी पूजा विधि और पारण का समय जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो है पूरी वॉच कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिलकर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी की। ये कब आ रही है और कब पड़ रही है, इसकी पूजा विधि क्या है और व्रत का पारण का समय क्या है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी जो है जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और ये पड़ रही है 21 जून की। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एकादशी है, बहुत ही अच्छा फल देने वाली होती है। कहते हैं कि जब पांडव भाई व्रत किया करते थे, उनके साथ उनकी माता भी व्रत करती थी, तो भीम जो थे उनसे व्रत नहीं किया जाता था क्योंकि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो उन्होंने पितामह से पूछा कि पितामह, सभी लोग व्रत करते हैं और मेरे भाई मेरी माता भी मुझे कहती है कि तू जो है एकादशी का व्रत नहीं रखता है, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और वे मुझ पे मुझे जो है व्रत करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन मैं व्रत नहीं रख सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो पितामह ने कहा कि तुम सभी एकादशी का व्रत ना रखते हुए एक व्रत रख लो निर्जला एकादशी का। ये कहते हैं 24 एकादशियों का फल देने वाली होती है और ये व्रत जो होता है बहुत ही फलदायक होता है, बहुत ही अच्छा व्रत होता है। जो 24 एकादशी का व्रत ना करके एक एकादशी का व्रत कर ले, निर्जला निहार रहकर बिना पानी पिए, तो सभी एकादशियों का फल उसको मिल जाता है। तो पितामह ने ऐसा समझाया। तो भीमसेन जो हैं वो निर्जला एकादशी का उन्होंने व्रत किया, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, तो उनका व्रत हो गया। इसी तरह हम लोगों की भी यही बात है। अगर हम 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो हम एक व्रत निर्जला रह कर सकते हैं और 24 एकादशियों का फल पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सभी एकादशियों का व्रत रखते हैं वो भी निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। और अगर किसी के शरीर का सामर्थ्य सही नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य सही नहीं है, कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है, तो अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से निर्जला रख लीजिए या फिर फलाहार रख लीजिए, लेकिन संकल्प लेकर व्रत रखना चाहिए कि मैं आज पूरे दिन निर्जल व्रत रखूंगी या पूरे दिन यानी कि एक समय फलाहार लेकर व्रत रखूंगी। तो ऐसा संकल्प लेकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा जो एकादशी का व्रत होता है वो हो जाता है दशमी तिथि से शुरू। दशमी तिथि के शाम को ही हमें यानी कि दशमी तिथि में हमें चावल नहीं खाना चाहिए और शाम के समय भी भोजन दिन ढलने से पहले कर लेना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज के। वही व्रत होता है यानी कि एकादशी का 3 दिन का व्रत हो जाता है। दशमी की तिथि में हम चावल नहीं खाते और शाम के समय भी भोजन जल्दी कर लेते हैं। और अगले दिन एकादशी की तिथि में जो है दोस्तों, हम सुबह उठेंगे, नहा धोकर अपने घर में साफ सफाई करके अपने भगवान जी को स्नान कराएंगे, विष्णु भगवान जी को स्नान कराएंगे और उनकी पूजा करेंगे। अगर आपके घर में प्रतिमा है तो पंचामृत के छींटे लगाएंगे, फोटो है। अगर हमारे घर में, आपके घर में या हमारे घर में, एक ही बात है, लड्डू गोपाल जी हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे और विष्णु भगवान को फूल अर्पण करेंगे, उनको पीले वस्त्र पहनाएंगे,
उनको पीला आसन देंगे। विष्णु भगवान जी को जो है पीला रंग बहुत ही अधिक प्रिय है और वे पीताम्बरधारी हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो है हमारी पूजा विधि शुरू हो जाती है। हम जो चौकी लगाते हैं विष्णु भगवान जी के लिए उसे भी पीले आसन से पीले फूलों से सजाए होते हैं और भगवान जी को फूल अर्पण करते हैं, दीप धूप घी का दिया जलाते हैं, तुलसी दल अर्पण करते हैं, उनके चरणों में रखते हैं और जो हम जल भर कर रखते हैं उसमें भी तुलसी दल ही रखते हैं। तो दोस्तों हम एकादशी के दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़ते हैं, तो हमें एक दिन पहले ही यानी दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लेने चाहिए। तो इतवार का दशहरा है और दशमी तिथि इतवार की है, तो हम रविवार को भी दोस्तों तुलसी पत्ते नहीं तोड़ते, इसलिए हमें शनिवार की शाम को ही तुलसी दल तोड़ कर रख लेना चाहिए, यानी कि 2-3 दिन के लिए जो भोग के लिए हमें तुलसी दल तोड़ कर स्टोर करके रख लेनी चाहिए। फ्रिज में रख ले या किसी भी ठंडी जगह पर रख ले या पानी में डाल दे और उन्हें धोते रहें, पानी बदलते रहें, तो तुलसी पत्ते हरे के हरे रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे। लेकिन वैसे भी 11 दिन तक तुलसी पत्ते हम भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। तो दोस्तों तो हमें इस तरह अपने तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी जी में घी का दिया लगाना चाहिए। सुबह के टाइम भी, शाम के समय भी, दोनों समय हमें घी का दिया लगाना चाहिए और भगवान विष्णु को भी घी के सामने भी घी का दिया लगाना चाहिए। पूरे दिन हमें भजन कीर्तन करते रहना चाहिए और दान अधिक से अधिक करना चाहिए। अगर हम पूरे दिन या पूरी रात भजन नहीं कर सकते तो शाम के समय थोड़े बहुत भजन आवश्यक ही कर लेने चाहिए। तो इस तरह हमारा जो है एकादशी का व्रत जो है बहुत ही अच्छे से होगा। तो दोस्तों ये पूजा विधि थी और कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत ही फलदायक होता है। तो दोस्तों एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए सभी लोगों को, जो नहीं कर सकते वो फलहार रहकर व्रत करें। अगर फलहार रहकर भी व्रत नहीं करते तो हमें एकादशी के दिन पूजा तो आवश्यक ही करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही फलदायक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये जीवन में सभी खुशियां देता है। और एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। और दान हमें किन किन चीज़ों का करना चाहिए, जैसे कि मिट्टी का मटका है या फिर ककड़ी है, खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, इन्हीं सब चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी के समय में हमें जो है ठंडी वस्तुओं का दान करना चाहिए, अनाज का दान करना चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए, छतरी, जूता और जो भी अपने सामर्थ्य में आता है दान अधिक से अधिक करना चाहिए। दान जो है हम एकादशी के दिन निकाल कर रख लेंगे, द्वादशी के सुबह में जब हम व्रत का पारण करेंगे तब हमें दान करना चाहिए। अगर कोई दान लेने से मना करता है, जैसे कोई ब्राह्मण मना करता है, तो आप किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं और द्वादशी के दिन खाना ब्राह्मण को खिला सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं है तो किसी को भी ज़रूरतमंद को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। जितना हम एकादशी के दिन अपने हिस्से का जो है अन्न जरूर दान करना चाहिए, वो हम किसी भी रूप में दान कर सकते हैं, अन्न तो दान करना ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी एकादशी की पूजा विधि की और व्रत रखने की एक प्रक्रिया थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो दोस्तों आप लोग कौन कौन व्रत रखने वाले हैं आप कमेंट करके बता सकते हो, निर्जल एकादशी का व्रत कौन कौन कर सकते हो। मेरी सासू माँ एकादशी का निर्जल व्रत रखती है, वो साल में हर साल निर्जल एकादशी का व्रत रखती हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं तभी से देख रही हूँ वो हर साल निर्जल एकादशी का व्रत रखती है और बहुत ही अच्छे धूमधाम से रखती है। और हाँ दोस्तों गर्मी में बचने के लिए भी मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बता देती हूँ।
जो निर्जल एकादशी का व्रत रखते हैं वो धूप में ना निकले, कम से कम बोले, लेकिन मन ही मन में ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें और घर में रहें, धूप में ना जाएं, तो प्यास अधिक नहीं लगेगी। और दो तीन बार स्नान करना चाहिए। ज़रूर नहीं होता कि हर किसी के घर में एसी होती है, पंखा होता है, सारी सुविधाएं होती है, नहीं होती सारी सुविधाएं। तो दोस्तों दो तीन बार या चार बार या पांच बार जितनी बार भी हो सके स्नान करें। इससे क्या है कि जो शरीर को पानी की ज़रूरत होगी वो पूरी होती रहेगी, लेकिन प्यास नहीं लगेगी और व्रत भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो और द्वादशी में व्रत के पारण का समय है दोस्तों 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। इस बीच में हम अपने व्रत का जो है पारण कर लेंगे। अगर जो कोई भी महाद्वादशी का व्रत रखना चाहता है तो वो इस बीच में अन्न ना खाकर तुलसी दल जो हम प्रभु के चरणों में रखे होते हैं उसको ग्रहण करके जल के साथ लेकर हम व्रत का पारण कर लेंगे और इस तरीके से हमारा जो है द्वादशी का महाव्रत भी हो जाएगा। तो इस साल जो है एकादशी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फल देने वाली है और निर्जल एकादशी जो होती है वो बहुत ही फल देने वाली होती है। और हमें पूरे दिन अपने विष्णु भगवान का जाप करते रहना चाहिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करना चाहिए। अगर माला जाप नहीं कर सकते तो घूमते फिरते हुए काम करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो दोस्तों एकादशी जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप लोगों के साथ भगवान विष्णु की दुआएं हैं तो आप जो है निहार रह सकते हैं, मतलब निर्जल व्रत कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप में सामर्थ्य है तो ज़रूर रखिए। निर्जल व्रत बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फलदायक होता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हो कि जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी। और दोस्तों जानकारी बांटने से बढ़ती है। अगर आपको कोई आपके पास कोई जानकारी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर मेरे जानकारी का तो मतलब यही होता है कि आदान प्रदान होता है, कुछ मुझ पे आता है, कुछ आप पे आता है, तो आप जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि निर्जल एकादशी के में इस तरह का व्रत किया जाता है या ये काम कर किया जाता है। जो भी कार्य किया जाता हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर जानकारी देने में थोड़ी बहुत भूल चूक रह गई हो तो प्लीज़ क्षमा करें, क्योंकि मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ, लेकिन थोड़ी सी क्या है कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, इसलिए बात करते करते ही बात दिमाग से निकल जाती है। लेकिन दोस्तों कोई नहीं, आपका सहयोग रहेगा तो आप मेरे साथ रहिए तो मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहेगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर कीजिएगा। और मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों राधे राधे, फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।